हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने नेक्स्ट जो करना है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स आज हम करेंगे, ठीक है। और ये इनवर्टिब्रेट्स में हमारा लास्ट फाइलम है। इसके बाद हमने कॉर्डेट्स या जो वर्टिब्रेट्स हैं वो स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स का ये लास्ट फाइला है। अब अगर इसके जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा के, इकाइनोडर्म्स के 5 मेन फीचर्स रहते हैं, ठीक है। 5 मेन फीचर का मतलब ये कि ये जो है बाकी सारे इंडिविजुअल से अलग फीचर्स हैं। ये 5 इसके जो हैं स्पेशल फीचर हैं। कौन कौन से? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं जो इकाइनोडर्मेटा है। आपको पता है जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो डर्मेटा जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्किन। डर्मेटा इंडिकेट करेगा स्किन। और जो इकाइनो है, इकाइनो क्या इंडिकेट करता है? स्पाइंस, ठीक है। अभी आगे मैं इसकी आपको फिगर बताऊंगी। तो मतलब ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनकी पूरी स्किन पे, जैसे ये स्टारफिश है इस तरह से 5 आर्म्स होती हैं, पूरी स्किन पे छोटे 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 स्पाइंस होते हैं, ठीक है। और ये स्पाइंस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। तो इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? स्पाइनी स्किन एनिमल। ये स्पाइनी स्किन होती है। उसके बाद इनका स्केल्टन जो होता है, ढांचा जो है वो इंटरनल होगा, एक्सोस्केल्टन ही एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनकी बॉडी के सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट्स होते हैं, या तो जो भी इनमें ऑर्गेनिजम्स हैं या तो 5 आर्म से बनेंगी या मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5। मतलब क्या हो गया? अगर 5 है तो ठीक है, नहीं तो 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी। ऐसा नहीं है कि 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या 5 होंगी या मल्टीपल ऑफ 5 होंगी, ठीक है। तो ये हमने वही लिखा कि 5 बॉडी पार्ट्स। उसके बाद इनका जो स्पेशल फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसकी मैं डायग्राम आपको बताऊंगी वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। और उसके बाद ट्यूब फीट होते हैं। ट्यूब फीट वॉकिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और उसके अदर फंक्शंस भी होते हैं, आगे हम करेंगे, ठीक है। तो ये इसके 5 मेन करैक्टरिस्टिक फीचर जो बाकियों से अलग हैं। उसके बाद वही दोबारा से आ गया कि स्पाइनी, इनका मतलब स्पाइनी स्किन होता है। और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्पीशीज उसकी नाउन हैं। पेंटामेरस, पेंटा होता है ना 5, पेंटा मीन्स 5, तो पेंटामेरस इन्वेस्टिबिट्री होती है, ठीक है। अब अगर इसका जो क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है ना, वो क्या पूछा जाता है? ये जो डिफरेंट है, जो बाकियों से डिफरेंट है और किसी फाइलम में नहीं है, वो मैं बताने लगी हूँ। लार्वल फॉर्म्स पोजेस करती हैं बाइलेटरल सिमेट्री और जो एडल्ट्स हैं वो पोजेस करते हैं रेडियल सिमेट्री, या पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री बोल सकते हो या रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। लार्वल फॉर्म में कौन सी है? बाइलेटरल। और एडल्ट में कौन सी आ जाएगी? रेडियल। तो ये क्वेश्चन एक बार इस तरह से पूछा था कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइलेटरल टू रेडियल में कन्वर्ट होते हैं। तो बाइलेटरल टू रेडियल में कौन कन्वर्ट होते हैं? इकाइनोडर्म्स। और इनका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस तक रन कर रहा है, कंप्लीट है। एंडोस्केल्टन इंटरनल है और एंडोस्केल्टन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो भी आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आगे कि ये इनवर्टिब्रेट्स, ये तो सबको पता है इनवर्टिब्रेट्स में हैं आते हैं। इंटरनल स्केल्टन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है और ये साल्ट वाटर में रहते हैं, मतलब मेरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। और इनका फ्रेश वाटर में आज तक ये कोई भी नहीं देखेगे। ये देखो इसकी ये 5 वॉर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और अगर हम इसको कट करें इस तरह से, 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में ये कट हो सकते हैं, तभी ये कौन से सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल। लार्वल फॉर्म शो करेंगी बाइलेटरल, ठीक है। देन ये देखो ये चीज़ दोबारा से आ गई कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइलेटरल से इवॉल्व हुए, बाइलेटरल से इवॉल्व हुए। एडल्ट्स में कौन सी आ जाएगी? रेडियल सिमेट्री आ जाएगी। और उसके बाद 5 फोल्ड रेडियल सिमेट्री, वो तो आपको पता ही है कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है तो 5 फोल्ड होगी इसमें रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देन वही रिपीटेड करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आपको बता देती हूँ आगे, ठीक है। सारे के सारे मेरीन होते हैं, कोई भी हमारे पास फ्रेश वाटर स्पीशीज देखने को नहीं मिली। जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसकी वजह से सर्कुलेशन होती है, इसकी वजह से रेस्पिरेशन होती है, इसी की वजह से क्या होती है? लोकोमोशन होती है। कोई पर्टिकुलर हार्ट नहीं प्रेजेंट होता, गिल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, लंग्स भी प्रेजेंट नहीं होते, ब्रेन भी नहीं होता और आइज भी नहीं होती। इनकी बॉडी में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद
ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक्ट करता है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई प्रे इन पे अटैक करता है तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे मैं जब इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम की डायग्राम बताऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद इनमें दो सरफेसेस होती हैं, जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स में एक होती है डॉर्सल, दूसरी होती है वेंट्रल, ठीक है। डॉर्सल बैक वाली को बोलते हैं, वेंट्रल हम फ्रंट वाली को बोलते हैं। और इसमें जो हम एबोरल और ओरल बोलेंगे, जो बैक वाली साइड है जिसको हम डॉर्सल बोलें उसको एबोरल बोल रहे हैं, और जो ओरल होती है अंडरनीथ नीचे वाली जिसको हम वेंट्रल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, एबोरल और ओरल। और अगर आपके ऑफलाइन क्लासेस जब भी लगेंगे, तो अगर प्रैक्टिकल तक लग गई आपकी क्लासेस, तो मैं आपको इसके स्पेसिमेन बताऊंगी। और बिल्कुल क्लियर डिफ्रेंशिएट होती हैं इसकी ओरल और एबोरल सरफेसेस, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली दिखती हैं हमारे पास इसकी। अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई फिगर वैसी नहीं है जिसमें ओरल और एबोरल आपको क्लियर दिखें, लेकिन वो पूरी स्पेसिमेन में पूरी क्लियर दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये बिल्कुल देखो सेंटर में ऐसे डिस्क है, उससे ये फाइव रेडिएटिंग आर्म्स में जो कैनाल्स रन कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, यहाँ से वाटर नहीं एंटर करता, यहाँ से मेड्रीपोराइटिक होता है वाटर की एंट्री के लिए। वाटर जब एंटर करेगा बाहर से, वाटर एंटर हुआ, ठीक है, वाटर एंटर हुआ, आके यहाँ मूव करेगा और यहाँ से इन लेटरल या रेडियल आर्म्स में चला जाएगा। जो पांच आर्म्स हैं इनमें वाटर चला जाएगा। जब वाटर इसमें चला जाएगा, इन्हीं आर्म्स के साथ अटैच हैं ट्यूब फिट, इस तरह से ट्यूब फिट अटैच हैं, ठीक है, यहाँ से। तो वाटर यहाँ मेड्रीपोराइट से एंटर हुआ, इस पूरे रिंग कैनाल में मूव किया, ठीक है, फिर ये चली गया रेडियल कैनाल्स में। ये रेडियल कैनाल कितनी है, पांच, क्योंकि पांच आर्म से। और ये देखो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्यूब फिट है। तो वाटर एंटर करेगा बाहर से, इस तरह से मूवमेंट होगी पूरी की पूरी बॉडी में। और इसी जो वाटर एंटर हुआ ना बाहर से, जो वाटर एंटर हुआ उसी में फूड भी है। तो मतलब जो इसमें फीडिंग का काम, न्यूट्रिशन का काम किस वजह से होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से। और इसी वाटर में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन होगी इनसाइड द बॉडी। कभी कभार ट्यूब फिट में भी होती है, ऐसे बॉडी में भी हो सकती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी कौन करा रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेशन मतलब जो मटेरियल आया है, फूड मटेरियल पूरी बॉडी में मूव करके जाएगा, वो भी किसकी वजह से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से। और जो एलिमिनेशन होगी, एक्सक्रीशन होगी, वो भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से होगी। तो मतलब जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये हमारे पास कौन कौन से मेन रोल प्ले करता है, सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन किसकी वजह से होगी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेशन किसकी वजह से होगी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और मोबिलिटी, मूवमेंट जो है, ट्यूब फिट जो मैंने बताया ना, इस तरह एंड पे ट्यूब फिट ये ऐसे अटैच होते हैं, जब इनमें वाटर आएगा प्रेशर डेवलप होगा और उस प्रेशर की वजह से ये मूवमेंट या लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक स्पेशल फीचर है इकाइनोडर्म्स का, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें कि रेस्पिरेशन जो है ट्यूब फिट के थ्रू हो सकती है, स्किन के थ्रू भी हो सकती है। स्किन गिल्स लिखा हुआ है, लेकिन गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, स्किन के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम अभी तो मैंने बताया, सारे काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करेगा, फूड कैरी करेगा, वेस्ट मटेरियल को कैरी करेगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्या है, क्लोज्ड है। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो ओपन का मतलब क्या है, अगर किसी भी तरह का लेस डेवलप्ड हार्ट प्रेजेंट है, वो ब्लड बिल्कुल ओपन स्पेसेस में छोड़ रहा है। ओपन स्पेसेस मतलब जो सिलोम है, खाली जगह, उसमें भेज रहा है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, हार्ट जो है पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स के साथ लिंक्ड है, ठीक है। ब्लड ले जा रहे हैं, ब्लड आ रहा है, तो इनका कौन सा है, क्लोज्ड, मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के, तो सिर्फ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट हैं, मतलब नर्व्स प्रेजेंट हैं, ब्रेन नहीं प्रेजेंट। जैसे हमारा क्रेनियम में इस तरह से ब्रेन है ना, इनमें ब्रेन नहीं होता, इनमें ब्रेन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगी। ट्यूब फीट जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सेंसरी ऑर्गन, मतलब वो सेंसेशन को फील करते हैं, जो बाहर का कुछ भी अगर इन्वायरमेंट को ये फील कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ट्यूब फीट, ठीक है। और डिफ्यूजन तो आपको पता ही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करके जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन भी ट्यूब फीट से होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और हैबिटेट तो मैंने बता दिया, मेरीन वाटर हैं, मतलब ओशंस वगैरह में रहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
तो आपको पता है मेल भी इन्वॉल्व होता है और फीमेल भी इन्वॉल्व होंगी। मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स रिलीज होंगे या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इनमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में, सब स्पीशीज़ में नहीं, कुछ स्पीशीज़ में इंटरनल मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर मेल गैमेट जो है रिलीज किए जाएंगे, देन उसकी वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरह से होगी। और इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म जो इन्वॉल्व होती है बाईपिनेरिया लार्वल फॉर्म इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होगी, अगर फिगर, हाँ ये देखो, अगर ये आर्म यहाँ से इनकी कट हो गई है, मतलब किसी भी वजह से आर्म कट हो गई है, वो आर्म दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रीजनरेशन। अब इस चीज़ पे बात आती है कि रीजनरेशन की लिमिट कितनी है। देखो अगर ये सेंट्रल डिस्क है, ठीक है, सेंट्रल डिस्क है, तो अगर यहाँ से आर्म कट जाती है तो ये आराम से रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रल डिस्क होगी तो आर्म रीजनरेट होगी, मतलब मान लो अगर ये आर्म जो कट हो गई है, ये आर्म दोबारा पूरा इंडिविजुअल नहीं बनाएगी, बल्कि जहाँ से कट हुई है वहाँ पे रीजनरेशन होगी। सेंट्रल डिस्क का होना बहुत ज़रूरी है रीजनरेशन के लिए। ये सेंट्रल डिस्क होगी, ये आर्म कट गई है, ये जो अलग होगी ये दोबारा रीजनरेट नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से रीजनरेट होगी। सेंट्रल डिस्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, रीजनरेशन में। और रीजनरेशन के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमी। ऑटो मतलब सेल्फ दोबारा से बनने को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमी। ये देखो यहाँ पे भी रीजनरेशन बताई हुई है। इस तरह से अगर आर्म कट गई है तो दोबारा से वो पूरी बन सकती है, ठीक है। और ये देखो वही चीज़ है कि एबिलिटी टू ग्रो लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट, किसी वजह से वो डैमेज हो चुका है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है, कट चुका है, उसको रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये देखो लिखा हुआ है कि सेवरल आर्म्स कैन बी रीजनरेटेड, बहुत सारी आर्म्स रीजनरेट की जा सकती हैं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी की जा सकती हैं। जर्म लेयर्स की बात करें तो कितनी होती हैं, तीन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सिलोम बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया इसका पहले से ही। इकोलॉजिकल रोल्स इकाइनोडर्म्स के क्या हैं, फूड सोर्स एक्ट करता है, ठीक है, और ये प्रीडेटर्स को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिलिंग कराता है, और ये इसका केमिकल जो इसमें केमिकल्स होते हैं उनको एंटी कैंसरस या एंटी वायरल यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो केमिकल्स हैं उनको एंटी कैंसरस और एंटी वायरल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये देखो इसके अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ये हमारे पास स्टार फिश है, ये भी स्टार शेप हैं, ब्रिटल फिशेस को बोलते हैं। अलग अलग इसमें इंडिविजुअल हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे इसके जनरल करेक्टरिस्टिक। कल मैं आपको इसके क्या बताऊंगी, क्लासिफिकेशन करेंगे, देन उसके बाद हमारा ये काइनोडर्मेटा वाला ख़त्म हो जाएगा।